हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। यूट्यूब वीडियो हम सभी लोग हर दिन देखते हैं और देखते देखते अगर कोई भी वीडियो पसंद आ जाए तो उसको वॉच लेटर या फिर आप डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब में डाउनलोड करेंगे तो बेशक आप उसको ऑफलाइन देख सकते हैं, लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब वीडियो को कैसे अलग अलग रेजोल्यूशन में अपने फ़ोन या फिर मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए दो प्रोसीड्योर है, पहला विद एप्लीकेशन, दूसरा विदाउट एप्लीकेशन। दोनों प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सोलूशन में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि आप अगर ऐप से वीडियो देखते हैं, जो कि 90% लोग ऐसे ही करते हैं, तब आप वीडियो कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए मैं एक रैंडम से वीडियो प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पर शेयर ऑप्शन में क्लिक करना है और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं दो ऐप आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि ये डाउनलोड एंड वॉच, ये वाला ऐप वीड ऑर्डर और सेकंड वीड मेट। ये दो ऐप आपको दिखेगा, ये दो बेस्ट एप्लीकेशन है, इसके मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक पर क्लिक करते हैं। देखिए लिंक जो है जनरेट हो रहा है और देखिए यहाँ पर आप MP3 और MP4 मतलब ऑडियो वीडियो दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जिस भी रेजोल्यूशन पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है और स्टार्ट डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करना है। देखिए डाउनलोड स्टार्टेड हो चुका है, नोटिफिकेशन बार में देखेंगे आप। देखिए मेन ऐप में आ गए हम लोग। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, फिर जो ऑडियो है वो डाउनलोड होगा, फिर मिक्सिंग होगा, उसके बाद आपका जो डाउनलोड है वो रेडी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से आप YouTube के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दो ऐप जो है बेस्ट है, वीड ऑर्डर और वीडमेट। दोनों ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप अगर कोई एक्सटर्नल ऐप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको यूट्यूब में जो लिंक आपको मिलेगा उसको कॉपी करना होगा। उसके बाद क्रोम में जाइएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा सेव फ्रॉम नेट। पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको सर्च करना होगा सेव फ्रॉम नेट। उसके बाद ये यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिख जाएगा इसका वेबसाइट, इसमें क्लिक करना है और जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है, फिर ऑटोमेटिकली ये आपका जो वीडियो है वो लोड होता हुआ दिखेगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक दिख जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये हो गया पहला प्रोसीजर। अब अगर दूसरा प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा YT1S। इसको सर्च करेंगे, इसका भी पहले फर्स्ट में आपको वेबसाइट मिल जाएगा, इसको क्लिक करेंगे, फिर जो लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर कन्वर्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। आपका वीडियो लोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप अलग अलग रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू MP3 भी मतलब सॉन्ग्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड प्रोसीजर। चलिए अब थर्ड प्रोसीजर की बात करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा 9convert.com, यहाँ पर 9convert भी सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट में यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको, सेम प्रोसेस है, जो लिंक कॉपी किया था यूट्यूब से उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट में क्लिक करना है, फिर आपका वीडियो यहाँ पर लोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर MP4 ऑडियो क्वालिटी ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग रेजोल्यूशन में आपका वीडियो यहाँ पर दिखेगा, इसमें से आप कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और MP3 भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो यूट्यूब वेब में ब्राउज करते हैं। इसके लिए क्रोम ओपन करेंगे, उसके बाद यूट्यूब सर्च करेंगे। देखिए ये क्रोम में मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका है। कोई भी एक रैंडम सा वीडियो मैं प्ले कर लेता हूँ, जैसे ये वाला वीडियो मैंने प्ले कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली मुझे जो वीडियो लिंक यहाँ पर कॉपी करना होगा, इसके लिए हम लोग सर्च बार में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आएगा, फिर उसको कॉपी कर लेंगे, फिर जो कॉपी किया था उसको उसी सर्च बार में पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर M के बाद जो डॉट आपको दिख रहा होगा, M डॉट के बाद आपको SS टाइप करना है, M डॉट के बाद SS टाइप करना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप लोग, ये आपको सेव फ्रॉम नेट जो कि पहला वाला ऑप्शन मैंने बताया था उसमें रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद आपको अलग अलग रेजोल्यूशन में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो लोग डेस्कटॉप मोड में यूट्यूब देखते हैं उनके लिए बात करूँ तो प्रोसीड्यूर बिल्कुल सेम ही है। आपको जैसे कि मैं कोई सा भी एक रैंडम वीडियो प्ले करता हूँ पहले,
वन प्लस लेके आ गए अपना एक नया। ये वीडियो प्ले करने के बाद यहाँ पर मुझे फिर से लिंक जो है वो कॉपी करना होगा, प्रोसीजर सेम है। लिंक कॉपी करने के बाद उसी सर्च बार में आपको उस लिंक को पेस्ट करना होगा और स्टार्टिंग में यहाँ पर www. के बाद आपको SS पुट करना होगा। SS पुट करने के बाद आपको वही सेम SafeBrom.net का वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से बिल्कुल सेम प्रोसीजर में आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेजोल्यूशन में क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद एक अलग से पेज ओपन होता है, वहाँ पर ये वीडियो आप 3 डॉट में क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया इसको आप PC में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे सोशल मीडिया में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपनी तरफ से लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज इतना ही, मिलता है वीडियो में। जय हिंद।